1 मिनट चलिए फिर से थोड़ा सा एक बार रीकैप करा देते हैं आप लोगों का क्योंकि रिकॉर्डिंग uh, नहीं भी तो हो सकता है आगे आने वाले बच्चों को दिक्कत हो 1 मिनट का टाइम लगेगा आप लोग बोर नहीं होंगे देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या था कोई भी नंबर होती है उसका जो पावर होता है जैसे कि 10 का पावर 4 है ऊपर लिखा है तो ये जो 4 है इसका एक्सपोनेंट है आप लोग आप लोग म्यूट नहीं रख सकते अपने आप को क्या दोबारा नहीं बोलूंगा मैं तुमको पता है ना मेरे दिमाग का एक ही बार बोलता हूं मैं बोलना मत कोई बीच में ना समझ में आए तब बोलो केवल टेन का पावर फोर है ना ये ऊपर फोर लिखा है ये है इसका एक्सपोनेंट या पावर और जो जिस नंबर पे लिखा जाता है जो नीचे का नंबर होता है हो उसका बेस यही हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर अब देखो अगर टेन का पावर दूसरा बात क्या है कि अगर टेन का पावर फोर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि टेन को फोर टाइम्स मतलब चार बार मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री फोर अगर पांच का स्क्वायर पांच का पावर दो लिखा है तो पांच को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वन टू अगर टू का पावर या टू का एक्सपोनेंट थ्री है इसका मतलब टू को थ्री बार वन टू एंड थ्री फोर का एट है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब देखिए अब अगर कहा जाए कि राइटिंग नंबर एज एक्सपोनेंट जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कैसे होगा तो 128 अगर एक नंबर है इसको एक्सपोनेंट की तरह लिखना है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं ना 128 तो 128 का निकाले हैं तो टू काउंट करो देखो इसमें बहुत सारे कंडीशन होंगे या तो एक ही नंबर से पूरा कट जाए या दो तीन अलग अलग नंबरों से कटे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले एक ही तरह के नंबर से पूरे डिवाइड होने वाले जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितने बार टू आया है सेवन टाइम्स आया ना तो टू का पावर सेवन लिख देंगे यही इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं उसी तरह टू फोर्टी थ्री को देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स थ्री आया ना तो क्या करेंगे टू फोर्टी थ्री इसका टू 3 का पावर 5 सिंपल आगे देखिए ये समझ में आ गया होगा 625 में 5 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 है तो 625 5 का पावर 4 या 5 टू द पावर 4 ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स में आपको देखने को मिल जाए और अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है अगर कहा जाए कि आपको एक्सपोनेंट दिया जाए और कहा जाए फाइंड द वैल्यू तो आप क्या करोगे

ठीक है। oh, बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है आज पावर बहुत नहीं किया था, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू बताइए आपने मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू सेवन टू नाइट बता या मैं ये नंबर दे दूंगा और कहूंगा कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तो आप क्या करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको फिर क्या करेंगे आप आ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और वो नंबर्स को लिख करके उसको टू द पावर इस तरह से लिख दोगे यही दो तरीका होगा अगर मैं कहूं कि राइट दिस नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म तो आप प्राइम फैक्टर निकाल के एलसीएम निकाल के ऐसा लिख दोगे और अगर मैं कहूं कि उसको आ, उसकी वैल्यू निकालनी है जैसे ये दिया हुआ है पहले तो आप उसको ऐसे कर चलो अब आगे हम चलते हैं इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए आप लोग प्रैक्टिस करना अब देखो मैं कुछ और बताता हूं तरीका अगर कहा जाए कि सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई करना है तो कहा जा रहा है कि थ्री इंटू फोर टू द पावर फोर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे पहले तो थ्री एक बार है हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद फोर टू द पावर फोर तो हमने क्या किया थ्री को फोर के साथ एक ले लिया और ये दो का पेयर बनाया दो दो का पेयर बनाना स्टार्ट किया ठीक है ना दो दो और लास्ट में एक बच गया तो फोर थ्री जाए ट्वेल्व फोर फोर जाए सिक्सटीन लास्ट में फोर कर दिया और सबको मल्टीप्लाई करके जैसे भी होगा जो भी सहूलियत होगी वैसे आप कर सकते हैं इसी तरह के सारे होंगे सिंप्लीफाई करना है जीरो इंटू टेन रूप हो तो, तो जीरो इंटू टेन इंटू टेन सिंप्लीफाई करना है तो फाइव का स्क्वायर है तो फाइव इंटू फाइव दो बार करेंगे थ्री का क्यू है तो थ्री इंटू थ्री याद रखना एक चीज हमेशा कि जब ये इस तरह से आप लिखते हो सिंप्लीफाई करने के समय तो या तो दो का पेयर बनाओ या तीन का पेयर बनाओ या चार का पेयर बनाओ तो जो पेयर पहले बनाओगे वैसा ही हर बार बनना चाहिए ठीक है अगर यहाँ दो का बनाया तो आगे भी दो का पेयर फिर आगे भी दो का पेयर फिर आगे भी दो का पेयर बनेगा शराब के माइक में आवाज आ रही है हाँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं ना घर पे इसलिए चलो अब तो ठीक है ना अब देखो यहाँ पर सिंपलीफाई उसी तरह करना है टू का पावर फोर थ्री का पावर टू तो टू का पावर फोर है ना तो दो दो का पेयर बना रहे हैं टू इंटू टू टू इंटू टू और थ्री इंटू थ्री तो टू टू जो टू टू जो थ्री थ्री जा नाइन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बहुत सिंपल चले उसी तरह अगर इस तरह अगर आपके पास दिया जाए अगर पहले ही बता दिया जा रहा है कि पहले नंबर को किस तरह से पेयर बनाने हैं और दूसरे को कैसे तो करेंगे प्लीज म्यूट प्लीज म्यूट करिए अपने आप को थ्री का स्क्वायर है ना तो थ्री को बेटा हमने दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया और टेन का पावर फोर है तो टेन को फोर मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे आपको बताया जा रहा हो पहले ही कि आपको कितने के नंबर्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तो आप वैसा ही करोगे और ऊपर वाले में क्या था ऊपर वाले में भी ऐसा ही था टू का पावर फोर था तो दो दो का पेयर बना लिया और ये तीन का इस सहूलियत के हिसाब से जैसा आप चाहो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इसमें कोई रूल नहीं अब कहा जाए कि इस तरह के नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है मतलब आपको मल्टीप्लाई करके कोई डिजिट बहुत बार दे दी जाएगी केवल एक ही तरह की डिजिट दी जाएगी तो आप उसको काउंट करो जो नंबर था वो आपने नीचे लिखा और कितनी बार आया है कितने टाइम्स तो वन टू थ्री फोर ऊपर पावर फोर कर दिया ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया सिंपल आगे देखिए अब कहा जाए इस सकस्थ. टी ठीक है ना दो बार टी है तो नंबर कौन मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है अल्फाबेट टी हो रहा है और कितनी बार हो रहा है टू टाइम्स या टू दो बार हो रहा है तो जितनी बार हो रहा है उसको ऊपर सिंपल अगर बी चार बार है ठीक है ना तो नंबर क्या है एक ही तरह का है ना बी है ना तो बेटा हम पहले लिखेंगे बी लिख दिया और काउंट करेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है वन टू थ्री फोर ऊपर पावर फोर सिंपल कहा जाए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब देखो यहां पर अलग अलग तरह के नंबर दिए जा रहे हैं ठीक है ना जितने भी तरह के नंबर हो हमें पता है यहां दो अलग अलग तरह के नंबर एक है फाइव ठीक है और दूसरा है सेवन ओके अब हम काउंट करेंगे फाइव कितनी बार है वन एंड टू टू टाइम्स है तो इसका पावर टू और सेवन कितनी बार है वन टू थ्री तो इसका पावर थ्री हो गया आंसर सिंपल एक बार बता दो देखो आप कोई बात नहीं अगर कभी दो तरह के नंबर हो जैसे देखो पहले ऊपर जो मैंने आपको बताया था बी चारो एक ही तरह का था टी जो था एक ही तरह का था है ना और अगर सिक्स देखो तो एक ही तरह था तो हमारे पास आसान था कि जो नंबर आ रहे हैं उसको नीचे लिखते थे और काउंट कर लेते थे कितनी बार आ रहे हैं काउंट करके पावर लिख देते थे टी में भी उसी तरह किया दो बार था तो स्क्वायर कर दिया बी में भी वैसे था बी को ऊपर पावर चार कर दिया लेकिन यहां पर क्या है पांच और सात दो अलग अलग नंबर है तो जितनी बार जो अलग अलग नंबर होंगे ना ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे एक नंबर पांच था पांच लिखा मल्टीप्लाई दूसरा नंबर आपको दिख रहा होगा सेवन सेवन लिख दिया अब काउंट करेंगे, दो बार है जितनी बार है उसका उतना पावर लिख देंगे सात तीन बार है तो जितनी बार है उसका उतना पावर लिख देंगे सॉल्व ऐसा ही होगा अब देखो अल्फाबेट और नंबर एक साथ हो सकते हैं टू दो बार है हमने लिखा उसके बाद बेटा ए लिखा हमने और कितनी बार है दो बार ये भी है तो ए का भी पावर टू लिख दिया सिंपल अब देखो यहां ए सी और डी तीन नंबर है तो हम देखो ए लिखते हैं फिर सी लिखते हैं और फिर डी लिखते तो अब ए हमारा थ्री टाइम्स है ना हमने इसका पावर थ्री अब सी वन टू थ्री फोर फोर टाइम्स सी है तो हमने फोर लिखा mm. तो पावर नहीं लिखते याद रखिएगा अगर एक बार है तो वो ये हिडन रहता है हम समझ जाएंगे कि वो हिडन है कभी भी वन होता है तो पावर अरे म्यूट करो ना यार जमाई ले रहे हो गुलाटियां मार रहे हो म्यूट तो करो अपने आप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब कहा जाए कि एक्सप्रेस 256 फिफ्टी सिक्स एज अ पावर ऑफ टू ठीक है ये कहा जा रहा है पावर ऑफ टू कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे पहले 256 का तो पहले प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे और देखेंगे टू कितनी बार आ रहा है तो यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो टू का पावर एट कर दिया काम हो गया हमारा भाई सबको समझ में आ रहा है ना ये सो गए सारे रहा है। चलो वेरी गुड अब देखिए कहा जा रहा है कि ए क्यू बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू है ना तीन जो पावर होता है इसको क्यूब पढ़ते हैं क्यूब और ये जो है टू का पावर इसको स्क्वायर पढ़ते हैं इन्हीं दोनों का नाम है बाद बाकी किसी का नाम तो आर दे ऑल सेम क्या ये सारे सेम हैं हम लोग देख लेते हैं पहले तो हम इस वाले को लेंगे। पहले वाले को ए क्यू बी स्क्वायर तो ए क्यू बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ उसको लिखेंगे a का पावर तीन b का पावर टू अब a का पावर तीन है तो क्या होगा तीन बार a और b का पावर दो है तो दो बार b ये देख लिया हमने ठीक है अब ए स्क्वायर बी क्यू है तो ए स्क्वायर और बी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर है तो दो बार ए लिख लेंगे और ये गलत है थोड़ा सा नोट्स में बी क्यू है बेटा तो एक बार और बी लेके आएंगे ठीक है अब खुद ही देखो यहाँ तो तीन ए है दो बी यहाँ पर दो ए है और बी तीन है ती दोनों तो सेम नहीं है आगे और देखते हैं बी स्क्वायर ए क्यू तो बी स्क्वायर ए क्यू का मतलब क्या हुआ दो बार बी और तीन बार ए या तीन बार ए दो बार बी किसी भी तरह लिख सकते हो उसी तरह बी क्यू ए स्क्वायर इस तरह लिखेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए क्यू इज टू ए क्यू एंड बी स्क्वायर आर द सेम मतलब ये दो ही ऐसे पेयर थे जो कि सेम थे एज दे हैव सेम पावर ऑफ ए एंड बी क्योंकि ए और बी पे सेम पावर है कहने का मतलब है देखो यहाँ ए का पावर कितना है तीन यहाँ पर ए का पावर कितना है तीन ही है यहाँ बी का पावर दो है यहां भी बी का पावर दो है तो जिस जब पावर बराबर है तो ये सेम होगा ठीक है उसी तरह आगे देख सकते हैं बट ऑल आर नॉट लेकिन सारे के सारे बराबर नहीं अपने आपको म्यूट करिए सारे आगे देखिए घर से आवाज आ रही है हाँ तो उसी को कह रहा हूं जिसके घर से आवाज आ रही है शिवम क्या नाम है अंजू अपने आपको म्यूट करो बेटा आपकी आवाज आएगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी टू क्यू और थ्री स्क्वायर अब हम सोल्व करके देखते हैं अगर टू क्यू अगर कहा जा रहा है तो टू क्यू का मतलब क्या है टू को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे ना और अगर थ्री का स्क्वायर है थ्री का पावर टू है तो थ्री इंटू थ्री तो टू का क्यू मतलब की एट और थ्री का स्क्वायर मतलब टू टाइम्स थ्री तो टू टू जोर टू जट हो गया और थ्री थ्री जो तो बड़ा आपको पता ही है कौन है सिंपल तो इस तरह से अगर ग्रेटर या कंपेयर करना हो तो पहले सॉल्व करके ऐसे दिखे। आगे देखिए अब इसी तरह आपसे ग्रेटर पूछा जाएगा आप सॉल्व करते रहना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है और ये भी उसी तरह क्वेश्चन है।, है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ ठीक है फोर क्यू और थ्री का पावर फोर तो वही बात है फोर का क्यू तीन बार फोर थ्री का पावर फोर फोर टाइम्स और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 और ये ये और आपको खुद पता कौन कौन बड़ा छोटा कौन उसी तरह के क्वेश्चन है सेम तरह के क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप मुझे रोक सकते हैं मैं रुक जाऊंगा हाँ अब आएगा मजा देखिए और मजा तो तब आएगा जब एक बार फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना ठीक है नही तो टाइम अप हो जाएगा तो वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी एक बार फिर से आप लोग ज्वाइन करिए मैं भेज रहा हूँ लिंक आप लोग क्यो? क्योंकि टाइम अप क्यो? हो जाएगा ना तो बीच में क्लास कट जाएगी तो पूरी वीडियो नहीं बन पाएगी ठीक है ना फिर से एक बार ज्वाइन